गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ओवरलैपिंग शेप्स। स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स, बेसिक शेप्स आपको पता है, सर्कल, ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप, सेमी सर्कल शेप, रेक्टेंगल शेप। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे शेप्स ओवरलैप ड्रॉइंग करना है। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो हम एक बड़ा सा एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप राउंडर का यूज कर सकते हैं, या फिर कोई बकेट का जो सर्कल है, सर्कल डिस है, तो इसका भी यूज कर सकते हो। आप इजीली सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें हमने यहाँ पे बड़ा सा एक सर्कल ड्रॉ किया है। अभी यहाँ पे हमें ओवरलैपिंग शेप्स को ओवरलैप करना है, तो हम ट्रायंगल शेप को ओवरलैप करेंगे। उसमें हमने यहाँ पे ट्रायंगल शेप ड्रॉ किया है। स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, स्टैंडिंग लाइन एंड सेमी सर्कल। यहाँ पे हमने सेमी सर्कल ऐड किया है। यहाँ पे हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्ट्रेट, टू लॉन्ग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। ये हुआ हमारा रेक्टेंगल। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे स्क्वायर शेप, स्लीपिंग लाइन स्ट्रेट, स्टैंडिंग लाइन स्ट्रेट, अगेन स्लीपिंग लाइन स्ट्रेट। बेसिक शेप जो हमने ओवरलैप किया है, उसमें से हमें कलरिंग वर्क करना है, तो हम यूज करेंगे क्रेयॉन्स कलर। ओवरलैपिंग किया है शेप, तो यहाँ पे डिफरेंट शेप क्रिएट हो रहा है। आप चेक करोगे तो यहाँ पे टू कर्व शेप दिख रहा है आपको, यहाँ पे हाफ कर्व पार्ट दिख रहा है। स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रायंगल कॉर्नर शेप दिख रहा है आपको। स्टूडेंट, यहाँ पे हमें कलरिंग वर्क करना है, तो लाइट टू डार्क कलर शेडिंग, लाइट टू डार्क हमें कलर करना है, लाइट टू डार्क। स्टूडेंट, हम कोई भी कॉर्नर साइड से हम डार्क कलर स्टार्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ से मैं यूज कर रहा हूँ रेड कलर। स्टूडेंट, कॉर्नर साइड है, तो कॉर्नर साइड पर हम सिमिलर डायरेक्शन में वर्क करेंगे। और जहां पर हमें डार्क कलर कर रहा है, वहां पर हम डार्क प्रेशर ज्यादा देंगे, तो पार्ट में डार्क दीजिए। सिमिलर ऑपोजिट कॉर्नर का पैटर्न चेंज हो रहा है, यहाँ पे शेप चेंज है। तो यहाँ पे मैं कॉर्नर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉर्नर डार्क कॉर्नर कलर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ब्लू कलर, यहाँ पे कॉर्नर डार्क, सिमिलर डायरेक्शन। आगे आपको लाइट हैंड प्रेशर वर्क करना है। यहाँ पर हमने डिफरेंट कॉर्नर को हमने डार्क किया, सिमिलर जो रेक्टेंगल है, यहाँ पे जो हाफ पार्ट पैटर्न चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज है, तो शेप चेंज है, तो यहाँ पर हम डिफरेंट कलर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं ऑरेंज कलर। सिमिलर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें कोई कॉर्नर, एक डार्क कॉर्नर हमें कलर सिलेक्ट करना है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम कलर कंप्लीट कर रहे हैं। तो लाइट टू डार्क, उसमें यहाँ पर डार्क दिख रहा है, आगे जो लाइट होता है दिख रहा है। सिमिलर ऑपोजिट पार्ट में हम डार्क कलर यूज कर रहे हैं। क्रॉस डायरेक्शन, सिमिलर हम क्रॉस डायरेक्शन में कलर कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको जो कॉर्नर पार्ट है, यहाँ पर मैं हैंड प्रेशर ज्यादा दूंगा, वो पार्ट डार्क होगा, सिमिलर कॉर्नर पार्ट डार्क। तो यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन में स्ट्रोक वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे हम वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने वर्क किया है, जो स्टैंडिंग लाइन डायरेक्शन है। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शेड कर रहे हैं, तो कॉर्नर पर डार्क, डार्क टू लाइट, अगेन कॉर्नर डार्क, डार्क टू लाइट। यहाँ पे हम क्रॉस डायरेक्शन में कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें आप जो भी डायरेक्शन में कलर यूज कर रहे हो, वही डायरेक्शन में हमें कलर कंप्लीट करना है। सिमिलर कॉर्नर पार्ट, बॉर्डर पार्ट डार्क, आगे लाइट हैंड, लाइट टू डार्क।
सिमिलर डायरेक्शन। सो यहां पर जो बैकग्राउंड में जो है कॉर्नर, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कलर कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो सर्कल है सो यहां पर डिफरेंट कलर यूज करेंगे, जैसे यहां पे ऑरेंज कलर यूज किया, सो यहां पर हम यूज करेंगे पिंक कलर। सो यहां पर हम यूज करेंगे वायलेट। सो यहां पर हम यूज करेंगे पर्पल। सो यहां पे बैकग्राउंड में जो यूज सर्कल का कलर करें, यहां पर हम यूज करेंगे येलो कलर। यहां से स्क्वायर है तो यहां पर हम यूज करेंगे ब्राउन। जो इनर पार्ट है यहां पर हम यूज करेंगे ग्रीन। सो जो आप स्केच बुक है येलो बुक, उसमें आपको शेप्स ओवरलैपिंग करना है एंड कलर इन्वर्ट करना है। अगर आपके पास क्रेयॉन्स कलर नहीं है तो आप पेंसिल कलर भी यूज कर सकते हो, और ड्राइंग एंड कलर इन्वर्ट जो आप स्केच बुक है उसमें आपको प्रैक्टिस करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।